अब हम कच्चे आलू को, जिसको मैंने क्रश किया है, उसको ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं बनाने आलू की पकौड़ी। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने एक कच्चे आलू लिए हैं और एक पके आलू लिए हैं, और मैं अभी थोड़ा ही बना करके आप सबको दिखा रही हूँ। और मैं ये पकौड़ी बना रही हूँ स्पेशल अपने बच्चे के लिए, तो मैंने थोड़ा ही हरी मिर्च लिया है जिसको चॉप कर लिया है, और मैंने प्याज भी चॉप करके रख लिया है। अब मैं इसको जाऊँगी, इसको पहले मैं आलू को अच्छे तरह से छील लूँगी और इस एक कच्चे आलू को क्रश कर लूँगी। तो चलते हैं, देखें बनाते हैं, शुरू करते हैं। देखिए मैंने दोनों आलू को छील लिया है, अब मैं कच्चे आलू को क्रश कर लूँगी और पके आलू को स्मैश कर दूँगी, और सभी को मैं बेसन में मिक्स करूँगी। देखिए मैंने कच्चे आलू को क्रश कर लिया है और पके आलू को स्मैश कर लिया है। देखिए अच्छी तरह से इसको मैंने क्रश करके रख लिया है, स्मैश भी कर दिया है। अब चलते हैं इसको बेसन में, सबको एक एक करके मिक्स करते हैं। सारे मटेरियल्स को अब एक एक करके बेसन में डालेंगे। ये देखिए मैं डाल रही हूँ, सबको मैंने डाल दिया है बेसन में सबको। अब मैं इसमें क्या करूँगी, स्वाद अनुसार हल्दी ऐड करूँगी और इसमें नमक ऐड करूँगी। आप इसमें चाहोगे तो चॉप करके धनिया पत्ते भी डाल सकते हो, और इसमें थोड़ा सा जीरे भी मैं डालूँगी। तो चलिए डालते हैं, हल्दी डाल दिया मैंने। देखिए स्वाद हल्का, अपने हिसाब से हल्दी आप डाल दीजिए, आप इसमें अपने हिसाब से स्वाद अनुसार इसमें नमक भी डाल सकते हैं। आप नमक डाल दे सकते नहीं, डाल देना है इसमें नमक, बिना नमक के तो पकौड़ी ही नहीं अच्छी लगेगी। तो आप इसमें स्वाद अनुसार आप साल्ट भी डाल दीजिए, और इसमें मैं थोड़ा सा हल्का जीरा भी ऐड करूँगी क्योंकि जीरे से भी थोड़ा सा स्वाद आता है। धनिया पत्ता हो तो धनिया पत्ता डाल दीजिए, अभी तो हमारे पास नहीं है, रहता तो मैं भी डाल देती क्योंकि धनिया पत्ता होने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। और इसमें आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए बनाना है, बच्चे को ज़्यादा चाहिए नहीं। ग्रीन चिली मैंने डाला है इसमें। इसमें देखिए हमारा मटेरियल बन के तैयार हो गया है, और इसमें थोड़ा मैंने जीरा भी डाल दिया। मैं बता रही थी ना जीरा डालने से टेस्ट थोड़ा बढ़ता है, तो मैंने इसमें थोड़े से जीरे भी ऐड कर दिए हैं, और इसको भी मैं मिक्स कर दूँगी। इसको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी, फिर चलते हैं बनाते हैं हम लोग अपनी टेस्टी टेस्टी कच्चे और पके आलू की पकौड़ी। तेल मेरी गरम हो चुकी है, देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है। अब मैं इसमें पकौड़ी डालूँगी पके, तो छोटे छोटे से छोटा छोटा सा आकार में आप इसको पकौड़ी के रूप में आप डालिए, और इसको आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं, शाम के नाश्ते के रूप में भी इसको खा सकते हैं, आप चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चा आलू खाता नहीं है, उसको पसंद नहीं है, तो मैं आलू देना ज़रूरी है, हरी सब्ज़ी के साथ साथ आलू भी देना ज़रूरी है। तो मैं आलू इस तरह से बना करके बच्चे को खिलाती हूँ, तो उसे पकड़ में नहीं आता है कि वो आलू खा रहा है। अगर उसे पता चल गया कि आलू है तो वो कतई नहीं छुएगा। तो आप भी बनाइए, आप भी खाइए, और अगर हो सके तो अपने बच्चे को भी खिलाए। अगर आपका बच्चा आलू खाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं खाता है तो इस तरह से बना करके खिलाइए। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये कैसा टेस्ट इसका लगा। अभी हमारी पकौड़ी तैयार हो चुकी है, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी, और इसको सॉस के साथ या राइस के साथ खाऊँगी। ये देखिए इसे मैंने प्लेट में निकाल दिया है, कितना टेस्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। मज़ा आ रहा है, देखिए लालच सी आ रही है, पकौड़ी देख के तो लालच आती है। अगर बारिश का मौसम हो तो और मज़ा आ जाता है पकौड़ी खाने में। तो आप भी बनाइए और इस लजीज पकौड़ी का आनंद उठाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू।